दोस्तों आज अपने पास है इको, गाड़ी ठुकाया हुआ है, आप देख सकते हो गाड़ी का ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद इसमें डेंटिंग का काम करेंगे। गाड़ी बहुत ज़्यादा ठुका गया है सामने से, तो इसको अपन डेंट पेंट का काम करेंगे इसमें। तो ये गाड़ी तो अभी फ़िलहाल खोल रहे हैं, तो ये अपना गाड़ी खुल चुका है, अब गाड़ी में डेंटिंग का काम चालू हो चुका है। तो इसमें बोनट नया डाल दिए हैं, लाइट उट नया है, और एक गेट भी अपन जुगाड़ में लाए हैं गेट। और उसके बाद इसमें अभी डेंटिंग का काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं डेंट कर रहा है अपना डेंटर लोग। अब डेंटिंग का काम तो ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कलर का काम चल रहा है। तो जो अपना पेंटर साहब थे वो इसमें काम किया हुआ था पुट्टी उट्टी का, और किसी भाई को बुला के ला के इसमें पेंटिंग करवाया है, उसके पैर में चोट आ गया था, तो पेंटिंग करवा रहा है, वहाँ तक तो ठीक है। तो इसमें भाई साहब ने पेंट तो मार रहे हैं, आप देख सकते हो इसमें। अब पेंट मारने के बाद करीब उसको मैं 1.5 लीटर कलर दिया था मेरा पेंटर को, तो उसने 1.5 लीटर कलर में केवल एक साइड को मारा हुआ था और थोड़ा बहुत इधर उधर को उसने मारा था। तो आप सोच सकते हो 1.5 लीटर कलर को एक साइड मारने से क्या हाल होगा उसका, वो भी प्लेन कलर, सॉलिड कलर है प्यू का। तो पूरा एक साइड में बहा दिया था पूरा गाड़ी को जहाँ तहाँ एकदम, और थोड़ा बहुत अब कलर कम पड़ने लग गया तो पतला करके इधर उधर में भी गाड़ी में पूरा छीड़ दिया था। तो गाड़ी में बेस कोट लगाया नहीं था, डायरेक्ट कलर चढ़ा दिया था, तो चारों तरफ मतलब गाड़ी में बहा दिया हुआ था। अब लास्ट में हमारा पेंटर भी भग गया और गाड़ी को आधा अधूरा काम छोड़ के, अब लास्ट में गाड़ी को अपन इसको फाइनल इसको बना रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो था। तो अब देख सकते हो इस गाड़ी को मेरे को फिर से दोबारा पेंट मारना पड़ रहा है, क्योंकि पेंटर मेरा था तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा। तो ये जहाँ जहाँ बहा हुआ था मैं पुट्टी लगाया हूँ, देख सकते हो बॉडी में, वहाँ वहाँ को मैं अब उसको बना रहा हूँ। अभी तक इसका कलर सही से सूखा नहीं है, अगर थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है कलर मोटा वहाँ पे, हल्का हल्का मतलब फटे टाइप से हो जा रहा है, थिनर पड़ रहा है। तो इसको इधर उधर करके तो मैं बहुत मुश्किल से इसको बना रहा हूँ, सेटिंग किया हूँ। तो ये जितना पुट्टी लगा उतना जगह में, सारे जगह में बहा हुआ था, वैसे तो सब टचिंग कर रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद इसको एक कोट कलर मेरे को फिर से उड़ाना पड़ रहा है, मतलब पूरी गाड़ी को मेरे को कलर फिर करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ पे बहा नहीं था। उस वीडियो को भी डाल सकता था मैं, पर वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया, इसका रखा था जहाँ जहाँ पे बहा था। तो अभी तो जो अब इसको सुधार रहा हूँ उसी को मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इसको सुधारने में मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ गया है, और अभी भी फाइनल होने के बाद भी एक दो जगह में मतलब फट गया है कलर, क्योंकि पहले जो कलर था वो सही से सूखा नहीं है। 1.5 लीटर कलर को एक साइड इक्को में मारना मतलब बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि 1.5 लीटर कलर में तो गाड़ी पूरा अंदर बाहर फाइनल हो जाता और बच भी जाता कलर। तो अभी तो इसको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सुधर जाएगा, बहुत हद तक तो सुधर गया है। तो अभी आप देख सकते हो मैं इसमें कलर मार रहा हूँ फाइनल फिर से दोबारा।
तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। तो दोस्तों देख सकते हो आप, इसमें मैं फिर से दोबारा कलर मार रहा हूँ। और कभी इसमें इस वीडियो में मतलब आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा कि पेंट यहीं पे फिर किया, फिर वहाँ पे कर रहा है, फिर यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि इसको उसी टाइप से मेरे को मारना पड़ा है, क्योंकि सुखा सुखा के छोड़ छोड़ के, क्योंकि जो पहले का मोटा कलर था अगर मैं एक लाइन से मारूं तो कलर में फिर दिक्कत आ रहा था, मतलब फट जा रहा था कलर फिर से रिटर्न, इसलिए मेरे को कभी इधर कभी उधर को मतलब मारना पड़ रहा है सुखा सुखा के, ताकि कि गैप दे दे के, इसलिए कभी क्वार्टर पैनल को, कभी गेट को, कभी बोनट को, कभी डिक्की को रुक रुक के मारना पड़ रहा है मेरे को, एक लाइन से मतलब मार ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें कलर मारने में भी मेरे को काफ़ी थोड़ा परेशानी हुआ है। खैर गाड़ी तो मैं सुधार दिया हूँ बहुत हद तक, और बहुत हद तक अभी भी इसमें नुक्स है, जो कि अब उसको सुधारने के लिए लास्ट में इसको अगर या तो इसको महीना 15 दिन के बाद ही इसको दोबारा करना पड़ेगा इस गाड़ी को कलर, या तो फिर इसको इसका कलर को पूरा उखाड़ना पड़ेगा, और कलर उखाड़ने के लिए फिर इसमें समय चाहिए, इसलिए अभी तो ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी अगर इसी में अगर बनता है तो एक बार अपन बना के देख रहे हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर इसमें अपन पेंट बूमर लगा के पूरे कलर को उखाड़ के फिर से इसमें अपन कलर अपने हिसाब से करूँगा, और अभी तो कोशिश किया हूँ बहुत हद तक, मतलब सुधार लिया हूँ, कि सबसे बड़ी बात ये हो जा रहा है ना, जो कलर मारा हुआ भी है उसमें हार्डनर भी मतलब डाला भी है कि नहीं डाला है तो अपने को पता नहीं, क्योंकि कलर सूख नहीं रहा है, क्योंकि गाड़ी को मैं एक हफ्ता खड़ा किया था, एक हफ्ता में जहाँ पे बहा बहा था उस जगह को घिसाई कर रहा था तो पेपर में पकड़ ले रहा था, इसके मतलब इसमें हार्डनर का भी कमी है, इस वजह से कलर और नहीं सूख रहा है, और अपन कलर जैसे मार रहे हैं तो किसी जगह में तुरंत फट जा रहा है कलर मारते साथ,